नमस्कार बच्चों, इस हिंदी वर्ग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, आज कुछ सिखाने के पहले मैं आपको कुछ दिखाना चाहती हूँ। ये देखिए, मेरे पास ये एक कागज़ है और इस कागज़ को मैंने कुछ इस प्रकार उसे काट लिया है। अभी देखिए इस कागज़ के साथ क्या होता है। आबरकडाबरा गिली गिली छू, आबरकडाबरा गिली गिली छू। देखा आपने, इस कागज़ पर एक जादू हुआ और इस जादू को आपने बहुत से बार देखा होगा और खुद किया भी होगा। और आपको पता है, ये कोई जादू नहीं बल्कि हाथ की सफाई है। और आज हम इसी हाथ की सफाई के जानकार के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है छोटा जादूगर। छोटा जादूगर जिसके लेखक है जयशंकर प्रसाद जी। और आइए कुछ जानकारी जान लेते हैं जयशंकर प्रसाद जी के बारे में। जयशंकर प्रसाद जी का जन्म उत्तर प्रदेश के वाराणसी शहर में हुआ। वे हिंदी के कवि, नाटककार, कथाकार, उपन्यासकार तथा निबंधकार थे। 9 वर्ष की अवस्था में प्रसाद जी ने कलाधार उपनाम से ब्रज भाषा में एक सवैया लिखा। प्रसाद जी की शिक्षा काशी में क्विस कॉलेज में हुई। इन्होंने संस्कृत, हिंदी, उर्दू तथा फारसी का अध्ययन किया। उनकी रचनाएं देख लेते हैं। कालक्रम के अनुसार चित्राधार प्रसाद जी का प्रथम संग्रह है। झरना, आंसू, लहर, कामायनी आदि उनके प्रसिद्ध काव्य रचनाएं हैं। चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, अजातशत्रु, ध्रुव स्वामिनी आदि नाटक हैं। छाया, प्रतिध्वनि, आकाशदीप और आंधी उनके प्रसिद्ध कहानी संग्रह है। कंकाल, तितली, इरावती आदि उपन्यास हैं। प्रसाद जी को कामायनी के लिए मंगला प्रसाद पारितोषिक प्रदान किया गया था। अभी देखते हैं कहानी छोटा जादूगर। कहानी छोटा जादूगर के दो मुख्य पात्र हैं। पहले स्वयं लेखक श्री जयशंकर प्रसाद और एक बालक जो जादूगर है। बालक अपने बीमार माँ की सेवा करने के साथ साथ जीवन व्यापन के लिए किस प्रकार परिस्थितियों से जूझता है, इसी का वर्णन इस कथानक में किया गया है। लेखक बताते हैं, कार्निवल के मैदान में बिजली जगमगा रही थी। हंसी और विनोद का कलनाद गूंज रहा था। बच्चों, यहाँ दो नए शब्द हैं। पहला है कार्निवाल और दूसरा है कलनाद। जहाँ कार्निवाल का अर्थ होता है, पश्चिमी देशों में मेले को कार्निवाल कहा जाता है, और कलनाद का अर्थ है मधुर ध्वनि। आइए देखते हैं आगे क्या होता है। प्रसाद जी कहते हैं, मैं खड़ा था उस छोटे फव्वारे के पास, जहां एक लड़का चुपचाप शरबत पीने वालों को देख रहा था। उसके गले में फटे कुर्ते के ऊपर से एक मोटी सी सूत की रस्सी पड़ी थी और जेब में कुछ ताश के पत्ते थे। लेखक जी कहते हैं, मैं उसकी ओर न जाने क्यों आकर्षित हुआ। उसके अभाव में भी संपूर्णता थी, अर्थात वह देखने से गरीब घर का लग रहा था, जिसके जीवन में कई कमियां हैं, परंतु मन से वो बहुत संतुष्ट लग रहा था। उसके मुंह पर गंभीर विषाद के साथ धैर्य की रेखा थी, अर्थात उस बालक के उदास चेहरे को देखकर ऐसा लग रहा था कि उसके जीवन में बहुत मुसीबतें हैं, परंतु साथ ही उसमें उससे धैर्य पूर्वक जूझने की क्षमता भी है। प्रसाद जी ने पूछा, क्यों जी, तुमने इसमें क्या देखा? प्रसाद जी ने उस बालक से पूछा कि उसने मेले में क्या देखा। देखते हैं बालक क्या कहता है। मैंने सब देखा, यहाँ चूड़ी फेंकते हैं, खिलौनों पर निशाना लगाते हैं, तीर से नंबर छेदते हैं। मुझे तो खिलौनों पर निशाना लगाना अच्छा मालूम हुआ। जादूगर तो बिल्कुल निकम्मा है,
उससे अच्छा तो ताश का खेल मैं ही दिखा सकता हूं, उसने बड़े विश्वास से कहा। उसकी वाणी में कहीं बनावट नहीं थी। मैंने पूछा, यानी प्रसाद जी ने पूछा, और उस पर्दे में क्या है? वहां तुम गए थे? नहीं, वहां मैं ना जा सका, टिकट लगता है, ऐसा बालक ने कहा। यानी उस पर्दे में जाने के लिए टिकट लगता है और उस टिकट लेने के लिए बालक के पास पैसे नहीं थे। आगे देखते हैं क्या होता है। मैंने कहा, यानी प्रसाद जी ने कहा, तो चलो मैं वहां पर तुमको लिवा चलू। लिवा चलू यानी ले चलू। मैंने मन ही मन कहा, भाई आज के तुम ही मित्र रहे। यानी प्रसाद जी ने कहा कि आज के मित्र बालक तुम ही रहे। आगे देखते हैं क्या होता है। मैंने उससे सहमत होकर कहा, तो फिर चलो पहले शरबत पी लिया जाए। उसने सूचक सिर में हिला दिया, उसकी तो इच्छा थी ही शरबत पीने की। आगे देखते हैं क्या होता है। मनुष्य की भीड़ से जाड़े की संध्या भी वहां गर्म हो रही थी। जाड़े की संध्या यानी जब ठंडी के दिन होते हैं, जब ठंडी का मौसम होता है। हम दोनों शरबत पीकर निशाना लगाने चले। राह में ही उसे पूछा, यानी प्रसाद जी ने उससे पूछा, तुम्हारे और कौन है? बालक ने कहा, माँ और बाबूजी। उन्होंने तुमको यहाँ आने को मना नहीं किया? ऐसा प्रसाद जी ने पूछा बालक से। अब देखते हैं बालक क्या कहता है। क्यों? देश के लिए, वह गर्व से बोला। और तुम्हारी माँ? फिर बालक कहता है, वह तो बीमार है। देखते आगे क्या होता है। और तुम तमाशा देख रहे हो? उसके मुख पर तिरस्कार की हंसी फूट पड़ी। प्रसाद जी ने कहा कि बाबूजी जेल में है, माँ बीमार है और तुम यहाँ तमाशा देख रहे हो, लेकिन बालक के मुख पर तिरस्कार की हंसी फूटी। तिरस्कार यानी अपमान, अंग्रेजी में इंसल्ट। उसने कहा, तमाशा देखने नहीं निकला हूं, कुछ पैसे ले जाऊंगा तो माँ को पथ्य दूंगा। बच्चों, यह एक नया शब्द है पथ्य, जिसका अर्थ है रोगी को दिया जाने वाला भोजन, दैट मीन्स डाइट फॉर पेशेंट। बालक कहता है, मुझे शरबत न पिलाकर आपने मेरा खेल देखकर मुझे कुछ दे दिया होता तो मुझे अधिक प्रसन्नता होती। मैं आश्चर्य से उस 13-14 वर्ष के लड़के को देखने लगा। यानी प्रसाद जी आश्चर्य से देखने लगे। हाँ, मैं सच कहता हूँ बाबूजी, माँ बीमार है इसलिए मैं नहीं गया। प्रसाद जी सोचते हैं, मैं नहीं गया? फिर वो पूछते हैं, कहाँ? यानी वो पूछते हैं कि आप कहाँ नहीं गए? बालक कहता है, जेल में। जब लोग खेल तमाशा देखते ही है तो मैं क्यों ना दिखाकर माँ की सेवा करूं और अपना पेट भी भरूं? मैंने दीर्घ निश्वास लिया, यानी प्रसाद जी ने दीर्घ निश्वास लिया। बच्चों, निश्वास का अर्थ है दुख से भरी लंबी सांस। यानी प्रसाद जी बहुत दुखी हुए और वो कुछ सोचने लगे। आगे देखते हैं। चारों ओर बिजली के लट्टू नाच रहे थे। मैं व्यग्र हो उठा। व्यग्र होना यानी व्याकुल हो उठना। हम दोनों उस जगह पर पहुंचे जहां खिलौनों को गेंद से गिराया जाता है। मैंने 12 टिकट खरीदकर उस लड़के को दे दिए। यानी प्रसाद जी ने शरबत पिलाने के बाद उस लड़के को निशाना लगाने के खेल में ले आए। देखते आगे क्या होता है। वो निकला पक्का निशानेबाज, उसकी कोई गेंद खाली नहीं गई।
देखने वाले दंग रह गए। उसने 12 खिलौनों को बटोर लिया, यानी 12 टिकटों में उसने 12 खिलौने जीत लिए थे। लेकिन उठाता कैसे? कुछ मेरे रुमाल में और कुछ जेब में रख लिए गए, यानी कुछ खिलौने उसने लेखक के रुमाल में रखे और कुछ जेब में रख लिए। आगे देखते क्या होता है। लड़के ने कहा, बाबूजी आपको तमाशा दिखाऊंगा, बाहर आइए, मैं चलता हूं। देखते आगे क्या होता है। वह 9:00-11:00 हो गया। मैंने मन ही मन कहा, इतनी जल्दी आग बदल गई। 9:00-11:00 होना यानी भाग जाना या नजरों से ओझल होना, और आग बदल गई यानी धोखा देना यानी ध्यान न देना। देखते आगे क्या होता है। मैं घूमकर, लेखक जी कहते हैं कि मैं घूमकर पान की दुकान पर आ गया। पान खाकर वही बड़ी देर तक इधर उधर टहलता देखता रहा। टहलना यानी घूमना। मैंने पूछा, कौन? फिर जादूगर बोला, मैं हूं छोटा जादूगर। इस लेखक को झूले से एक आवाज आई और इसीलिए उन्होंने पूछा कौन। फिर बालक ने कहा, मैं हूं छोटा जादूगर। देखते हैं आगे क्या हुआ। फिर कुछ दिनों के बाद इस प्रकार हुआ। कलकत्ता यानी अभी कोलकाता के सुरम्य वनस्पति उद्यान में लाल कमलिनी से भरी हुई एक छोटी सी झील के किनारे घने वृक्षों की छाया में अपनी मंडली के साथ बैठा मैं जलपान कर रहा था। फिर देखते क्या होता है। बातें हो रही थी, इतने में वही छोटा जादूगर दिखाई पड़ा। हाथ में 4 खाने की खादी का झोला, साफ जांगिया और आदि बाहों का कुर्ता, सिर पर मैला रुमाल सूत की रस्सी से बंधा था। कोलकाता के उद्यान में प्रसाद जी को छोटा जादूगर फिर से दिखा। आगे देखते क्या हुआ। मस्तानी चाल से झूमता हुआ कहने लगा, बाबूजी नमस्ते, आज कहिए तो खेल दिखाऊं। फिर प्रसाद जी कहते, नहीं जी अभी हम लोग जलपान कर रहे हैं। नहीं जी, मैं क्रोध में कुछ और कहने जा रहा था, तभी श्रीमती ने कहा, यानी प्रसाद जी के श्रीमती जी ने कहा, दिखलाओ जी तुम तो अच्छे आए, भला कुछ मन तो बहले। फिर प्रसाद जी चुप हो गए, भला वो श्रीमती के सामने क्या बोलते। श्रीमती की वाणी में वह माँ की सी मिठास थी, जिसके सामने किसी भी लड़के को रोका नहीं जा सकता था। उसने खेल आरंभ किया। उस दिन कार्निवाल के सभी खिलौने उसके खेल में अपना अभिनय करने लगे। भालू मनाने लगा, बिल्ली रोटने लगी और बंदर घुड़कने लगा। और इस कहानी में आगे क्या होता है ये हम देखेंगे बाद में। धन्यवाद।